सिर्फ और सिर्फ अभी पैंडेमिक पे फोकस कर रही है। पैंडेमिक के बहुत सारे जो रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे प्रोवाइडिंग राशन हो, राशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर हम डॉक्टर्स के लिए पीपी हो, या हमने सैनिटाइजर्स और मास्क जो है एक दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ सैनिटाइजर्स और मास्क हमने करीबन 7,000 और फिर 1,159 जो है सैनिटाइजर प्रोवाइड किए। उसके बरक्स जो हम खुद से काम कर रहे हैं वो ये है कि मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही करूँ, बट देन हाँ कहीं कहीं पे हमको फूड किट का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जहाँ पे पॉसिबल नहीं थी वहाँ पे फूड किट्स का इस्तेमाल करना पड़ा। और जो पीपीज है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो हमारा अभी फोकस है, जो हमने डॉक्टर्स को कवर किया या जर्नलिस्ट को कवर कर रहे हैं अभी भी, अभी मेरे पास एक लिस्ट रिक्वेस्ट लिस्ट आई है वो भी कर रहे हैं। और साइमल्टेनियसली इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सफाई कर्मचारी हमारे लिए हमारे उनके लिए भी हम पीपी बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर था। आई कैन से दैट वी आर मोर इनटू विडो एम्पावरमेंट, आई कांट कॉल इट विमेन एम्पावरमेंट एज अ होल, बिकॉज यू नो विमेन कैन चूज आवर लाइफ यू नो पर्टिकुलर सेक्शन, सो वी प्रेफर ऑर्फन गर्ल्स एंड विडोज, सो वी आर इनटू ऑर्फन गर्ल एम्पावरमेंट एंड विडो एम्पावरमेंट। उसके लिए जो हमारा ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वर्कशॉप कहिए या हमारे कनेक्शन ही कहिए, तो हमको पता था कि कौन बना सकता है और कौन हमारे पीपी बनाने में मदद कर सकता है। तो वी स्टार्टेड आवर पीपी फॉर लाइक फ्रंटलाइन वर्कर्स। आश ने ऑफकोर्स अवेयरनेस जो हमारे वॉलंटियर्स से बात होती, हालांकि हमारे वॉलंटियर्स ग्राउंड पे बहुत कम थे, मेरा ये था कि देखिए मेरा कंट्रीब्यूशन ये था कि मैं अपने जो जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं उनको मैंने मैक्सिमम मेजोरिटी कोशिश की कि वो घर बैठे, वो घर से काम कर सकते हैं वो घर बैठे, और जो बाहर है वो लोगों को बताएं कि क्या करने की ज़रूरत है और क्या अवेयरनेस डूज एंड डोंट्स जो है COVID-19 में है। तो वो ऑफकोर्स ट्राइड आवर लेवल, बस उसके साथ साथ जो हमारे हॉस्पिटल्स जो हमारे दूर दराज इलाकों के हॉस्पिटल्स हैं तक हमने चीज़ें पहुँचाई, चाहे वो खाजन हो या चाहे वो बड़गाम हो या SMHS और GLNF, तो खैर बट हमने दूर दूर कुपवारा हो तो वहाँ जाके हमने, या यही मैसेज है कि जो जैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, छोटे से छोटा तरीका या बड़े से बड़ा तरीका कंट्रीब्यूट करें। जो लोग घर बैठ के कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कि घर बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, वो वैसे कॉन्ट्रीब्यूट करें, वो जो जिस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है। जैसे मैं अभी मेरे पास जो है अवेलेबिलिटी है, मतलब मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर है तो पीपी के थ्रू कर रही हूँ, तो जो जैसे, और प्लीज़ आई मीन माय रिक्वेस्ट ऑल इज लाइक यू नो लेट्स बी एनकरेजिंग, और अभी जो छोटे से छोटा काम कर रहा है उनको एनकरेज करें, उनको डिस्करेज ना करें, इस चीज़ का ख्याल रखें। और मुझे लगता है NGOs को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, प्राइवेसी जो है लोगों की, उसको आइडेंटिटी को रिवील ना करते हुए उनके लिए उनकी मदद की जाए, और अपने इर्द गिर्द जो हमारे लोग हैं जो जो लोगों से गुजर रहे हैं, ये दो वक्त की रोटी जो है बहुत बड़ी बात है और बहुत मुश्किल है, तो क्यों ना हम अपने नेबरिंग एरियाज में जो हमारे नेबर हैं, तो हम व्हाई नॉट टेक केयर ऑफ देम।